नमस्कार, आपके 8 बज गए हैं। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आने वाली कावड़ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से योगी सरकार ने पहचान बताने का नियम लागू किया है उसको लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर कावड़ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयान भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बताएंगे क्यों आखिर दिल्ली में एक बार फिर से सियासत के केंद्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत की खबर आ गई है, क्योंकि इसको लेकर भी बवाल मचता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि झारखंड में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सियासी निशाने पर कौन रहा आज सामने। इसके अलावा बात होगी बांग्लादेश में मचे हुए घमासान के बीच में कैसे लगातार भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता खुला हुआ है। साथ ही साथ दिखाएंगे देश में कैसे बाढ़ और बारिश के हैं हालात। होंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष से फोन पर बात। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर जताई गई सहमति। व्यापार, शिक्षा और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति में भरी हुंकार। सोरेन सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा सोरेन को सिर्फ वोट बैंक की चिंता। आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर श्वेत पत्र लाने का दिया भरोसा। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट की अनिवार्यता को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा ने 2006 के यूपीए सरकार के शासनकाल की दिलाई याद। पूछा नियम लागू कराने पर क्यों हो रही दिक्कत। विपक्ष का भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत पर सियासत तेज। वजन घटने के आरोप के बाद एलजी कार्यालय ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कहा जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों को लेकर जर्नल साइंस एडवांसेस में छपी रिपोर्ट को किया खारिज। अध्ययन को बताया तथ्यहीन और भ्रामक। आंशिक आंकड़ों के आधार पर मनपसंद नतीजे निकालने का लगाया आरोप। नीट मामले में सीबीआई ने और कसा शिकंजा। परीक्षा गड़बड़ी मामले में तीन और मेडिकल छात्र पटना से गिरफ्तार। पेपर सॉल्व करने में शामिल थे तीनों आरोपी। देश भर के स्ट्रीट फूड वेंडरों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। अब नहीं देना होगा पंजीकरण शुल्क। देश भर के लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया पोर्टल। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ नहीं थम रहा हिंसक विरोध प्रदर्शन। देशव्यापी कर्फ्यू के बीच हिंसा और आगजनी। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश। अब तक लगभग 1000 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत में आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके फिर से हुई जीत पर बधाई दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को उनके फोन करने और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों में निहित है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के प्रति उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। और अब बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर की। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के बाद से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। जहां विपक्षी दल योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं भाजपा ने कहा है कि ये यूपीए सरकार के कानून है जिसे भाजपा लागू कर रही है। इस बीच उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोरों पर है जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरनी है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है।
योगी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग में किसी भी दुकानदार के द्वारा उसकी पहचान लिखने का नियम लागू किया गया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारे चीज़ें, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। टॉयलेट्स की सफाई लगातार हो, इसके लिए लगातार ड्यूटी हम लोगों ने लगा रखी है। और कुल मिला के यात्रा रूट में कोई दिक्कत तो हो, बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब लाइट्स लग रही हैं कांवड़ रूट में। कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की संभावित समस्या के मद्देनजर यूपी सरकार कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों को इसमें धार्मिक भेदभाव नजर आ रहा है। जो भी यात्रा हो रही है होने दे, पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कभी ऐसा विवाद हुआ नहीं, तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए? ये गलत है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि विपक्षी दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि पहचान बताने में क्या दिक्कत है। ये समीक्षा का विषय होगा, अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल जी जब मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए, डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट ही भुला गए हैं तो डेट भी बता। हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? पहचान उजागर करने को लेकर मचे बवाल पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल में बने नियमों को सिर्फ लागू किया जा रहा है, तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? गौरतलब है नेम प्लेट को लेकर यूपीए की सरकार में कानून बना था। यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य बताया था, तो वहीं जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों को 5 अगस्त 2011 में लागू किया गया था। उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हर निर्णय को विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा करती हैं और ऐसा ही कुछ इस बार दुकानदारों की नाम पट्टिका को लेकर किया, जबकि यह निर्णय मुलायम सिंह यादव ने 2006 में ही लागू करवाया था, शायद वह ये बात नहीं जानती हैं। कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुस्ता रखने के लिए योगी सरकार के इस निर्णय की तमाम लोग सराहना भी कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। और इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा, इससे जुड़ा है हमारा विशेष, पहचान बताने पर क्यों मचा है घमासान, क्योंकि पहचान बतानी है, इस बात को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहचान बताने पर क्यों मचा घमासान, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ एस एन सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सर, बहुत स्वागत आपका भी। प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर के, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत एस एन सिंह जी आपसे, क्योंकि बीजेपी की सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी, क्यों इस प्रकार के फैसले की जरूरत महसूस हो रही है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों जरूरी है ये? हमारा अपमान नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। और 2006 में बना हुआ एक एक्ट जिसको आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लागू करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई भेदभाव नहीं है। 2010 का एक एग्जाम्पल दूंगा, वैष्णो देवी में जब बहुत ज्यादा यात्री आने लगे तो हर लोगों को कहा जाता कि अपना पहचान बताइए, यात्रा पर्ची लीजिए, आधार कार्ड दिखाइए और फिर जाइए। आगे चलकर वही जो है तिरुपति बालाजी में कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी विरोध नहीं की, क्यों विरोध करेगी? अगर कोई व्यक्ति का पहचान माना जा रहा है, आज जो कानून बना स्पष्टता से आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता दें
कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ये नहीं कहा कि फला धर्म के लोग अपने पहचान, व्यक्ति अपनी पहचान बताएगा, जैसे होटल में जाता है होटल में पहचान बताता है, तिरुपति बालाजी में देता है, वैष्णो देवी में देता है, और पहचान बताने की नौबत क्यों आई इसको भी आप देख लीजिए। पिछले साल की घटना है, 2016 की एक घटना है, 2016 में एक घटना घटित होती है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भाइयों से और जो कांवड़ियों से कोई बात विवाद हो जाता है और बाद में वो बात आगे तक बढ़ जाती है और कर्फ्यू तक की नौबत आ जाती है। पिछली बार बहुत सारे जिम्मेदार चैनलों पर दिखाया गया कि बहुत सारी दूसरी चीजें वहां पर बिक्री की जा रही थी, तो मैं कह रहा हूं कि संविधान ने सरकार को ये अधिकार दे रखा है कि किसी भी तरह के आपसी भाईचारे में कटुता न उत्पन्न हो, आप सुनिश्चित करिए। सुनिश्चित कैसे होगा, इस तरह से होगा कि अगर आपका नाम लिखा होगा, आपकी चीजें लिखी होंगी और कोई गलत कार्य करेंगे, और मैं तो खाद्य विभाग में 5 साल एडवाइजर के तौर पर रहा, खाद्य विभाग में भी कहा गया छोटी छोटी दुकानें अपने बाट माप को भी बताएंगे रखेंगे, और ये भी बताएंगे जहां पे खाद्य चीज बेची जाती है कि उसमें कोई जहर खुरानी गेंद ना हो, कहीं जाके किसी चीजों को नुकसान ना पहुंचा। और गुजरात में क्या होता है, गुजरात में पीछे एक घटना घटती है जिसमें वहां का अखबार ये खबर छापता है कि समोसे में गौमांस दिया रहता है। तो जब बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं तो भाईचारे में कोई कटुता ना हो इस नाते, व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति माने मुस्लिम। ठीक है सर, आप पहचान जरूरी बता रहे हैं, कटुता ना हो समाज में, मैं इसका जवाब धर्मेंद्र जी से लेता हूं। धर्मेंद्र जी जी आता हूं सिंह साहब पे, धर्मेंद्र जी, क्योंकि ये 2006 में मुलायम सिंह जी के समय में ये नियम लागू हुआ था, बना था, उसको लागू किया जा रहा है, तो इसमें विरोध किस बात का है, पहचान उजागर करने में दिक्कत क्या है? आरएन जी, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में है, 2017 के बाद 2024 आ गया, इसका मतलब इतने दिनों तक इन्होंने नियम नहीं लागू किया था क्या? यही तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सोई हुई सरकार चलाती है, इनको ना दिखाई देता ना सुनाई देता है, जो देश के असल मुद्दे से बात नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी देश की संप्रभुता की बात आएगी, अखंडता की बात आएगी, उससे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एतराज रहा है, चाहे अंग्रेजों के जमाने को ले लीजिए, चाहे आज के जमाने को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद ये मान रही है कि 2017 के बाद हमने उन कानूनों का पालन नहीं करवाया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी कानून के राज का कोई नाम या मतलब नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे 2100 घर गिराने के आदेश पारित हो चुके सर, थे। इस विषय पे रहते हैं, मंत्री को उसकी भनक भी नहीं लगी थी। धर्मेंद्र जी, पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में कितना बड़ा गैप है और उस गैप में जनता कितना पिस रही है, इसका अंदाजा शायद इनको नहीं होगा। मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाह रहा हूँ। धर्मेंद्र जी इसी विषय पे रहते हैं, रामा मेडिकल कॉलेज, हाँ सर इसी विषय पे रहते हैं, एक महिला भर्ती होती है, सुन लीजिए, जितना असेसमेंट वो सड़कों पर स्टिकर लगवाने में कर रहे हैं ना, उस पर उतना असेसमेंट अगर किसी अस्पताल में कर लेते तो शायद मरीजों की जान बच जाती। तो सर सपा का विरोध इसलिए है, धर्मेंद्र जी विनम्रता से सुन लीजिए, मैं सर सपा इसलिए विरोध कर रही है कि 2017 से योगी सरकार ने लागू नहीं किया था, ये विरोध की वजह है या कोई और विरोध की वजह है? अभी विषय पे रहते हैं सर जी, मेरी एक बात पूरी हो जाए फिर आपका सवाल मैं ले लूंगा। रामा मेडिकल कॉलेज में एक मरीज भर्ती होता है और उसका जो अटेंडेंट होता है बस वो इतना ही जानना चाहता है कि जो मेरे पेशेंट के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है आप ट्रीटमेंट की हिस्ट्री मुझे दे दीजिए ताकि मैं किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, इतनी सीमा को लेकर के उसको हड़काया जाता है। और जब वो 112 पे फोन करता है तो जो 112 के पुलिस आते हैं उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। सर विषय से आप विषयांतर हो रहे हैं, माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर आपको, मैं सर विषयांतर हो रहे हैं, सर आप विषयांतर हो रहे हैं, प्रफुल्ल जी को बुलाया जाता है, सर प्रफुल्ल जी क्योंकि आपको लगता है, धर्मेंद्र जी आपने आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं, प्रफुल्ल जी आपको लगता है कि क्या ये जरूरी था या जो विरोध का एक तर्क जो समाजवादी पार्टी दे रही है कि साहब क्योंकि 2017 से 2024 तक योगी सरकार ने लागू नहीं किया इसलिए वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, क्या ये बात ठीक है प्रफुल्ल जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसके सीधे सीधे दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों पर ठीक से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप। 2017 तक वो लागू कर रहे थे क्या 2006 का आदेश, वो बता दे 2017 तक ये लागू हो रहा था तो अच्छा है ना, अखिलेश जी का फैसला फिर से लागू हो रहा है, उस समय तो अखिलेश जी की सरकार थी। मूल विषय यह है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का जो 2006 का एक्ट है जो ये कहता है कि हर वेंडर को अपना जो भी वो बेच रहा है उसके संबंध में जानकारी, अपना नाम जो उसको लाइसेंस मिला है उसके बारे में जानकारी का डिस्प्ले करे, ये उसका लीगल पक्ष हो गया। अब इससे जाते हैं आस्था के पक्ष पर। आस्था के पक्ष में हम देखते हैं आर्यन्द्र जी, यदि मान लीजिए कि कोई भी धार्मिक यात्रा होती है, हज ले लीजिए या
जो लोगों का मान लीजिए वो कहीं पे जाते हैं जेरूसलम में, या इवन आप ये देख लीजिए कि कहीं पे जब चर्च में वेटिकन सिटी में जाना होता है तो वहाँ के फूड और ड्रेस कोड ये डिफाइंड होते हैं जी, और उसी को फॉलो करना हर जाने वाले के लिए मैंडेटरी हो जाता है जी। अब ये भी एक तरीके से आस्था का विषय है, और ये किसी एक समुदाय के लिए तो है नहीं, सबके लिए है। जो लेने वाला है वो तय करेगा मुझे लेना है नहीं लेना है, खाना है नहीं खाना है। लेकिन खास करके देखिए, हम आजकल प्रोडक्ट लेते हुए उस पर ग्रीन है या रेड है, कंटेंट क्या है, उसको जो फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है उसने उसकी जांच मान्यता दी है नहीं दी है, ये भी देखने का ग्राहक के नाते हर एक को अधिकार है। तो एक कंज्यूमर राइट्स का विषय है। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जो सबसे ज्यादा आइडेंटिटी पर पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब एक तरफ तो राहुल गांधी पूछते हैं कि भाई आपके स्टूडियो में कौन सी जाति के कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं ये भी डिक्लेयर करो, कौन से व्यवसाय में कौन से कितने हैं ये भी डिक्लेयर करो, उसकी हम जाति गणना भी करेंगे, उसका हर सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे जी। तो आपको क्या समस्या है? आप तो सारी राजनीति ही पीढ़ियों को लेकर कर रहे हैं, तो ये तो आइडेंटिटी सवाल क्यों इस तरीके से? एसएन सिंह जी, क्योंकि धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, आपने जो सवाल किया था मैं उसी का जवाब एसएन सिंह जी से लेता हूं। एसएन सिंह जी, धर्मेंद्र जी समाजवादी पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि साहब 17 से लेकर 24 तक आप सोए हुए, तो उस कानून को आपने लागू नहीं किया, ये उनका विरोध है। नहीं देखिए, धर्मेंद्र जी क्या कहते हैं क्या करते हैं वो सब दिखता है। दिखता ये है कि धर्म देखकर ही विकास के कार्य करना, धर्म देखकर ही बिजली देना और धर्म देखकर ही पुरस्कार देना, ऐसा कार्य समाजवादी पार्टी करती थी। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा और धर्मेंद्र जी उसमें अगर कोई भी गलती होगी तो बता देंगे। एक लाउड स्पीकर निकालने का फैसला होता है, सबसे पहला लाउड स्पीकर कहां से निकाला जाता है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहां के महंत होते हैं, गुरु गोरखनाथ पीठ से, गोरखपुर से, उसके बाद सब लोगों का लाउड स्पीकर उतारा जाता है। मैं कह रहा हूं कि अपनी पहचान बताने में हमको दिक्कत क्या है? पहचान छुपाना गलत है या पहचान बताना गलत है? पहचान छुपाना मुझे लगता है ज्यादा गलत है, पहचान बताना चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा कि हम मुस्लिम पे नहीं जाते, हम हिंदू पे जाते हैं। हमारे घर में जो व्रती होता है, चाहे वो छठ का व्रत ले, चाहे रामनवमी का व्रत ले, चाहे इसमें कांवड़ यात्रा में जाए, जो व्रती होता है उसके नीति नियम हमसे ज्यादा कठोर होते हैं। वो जमीन पर सोता है, रोज गंगा जल डाल के स्नान करता है, और अगर कहीं बाहर से आता है तो पुनः अपने कपड़े को बदलता है, स्वयं का भोजन बनाता है। अगर ऐसे कार्यों को वो रास्ते में भी देखता है कि जहां साफ सुथरा बने उसमें धर्म तो कहां नहीं गया जी, हिंदू और मुस्लिम तो कहां नहीं गया? आप व्यक्ति को मुसलमान से क्यों जोड़ लेते हैं? इस नाते जोड़ लेते हैं कि आपने हमेशा ही ऐसा ही षड्यंत्र करने वाला कार्य। अब आपको बताऊंगा कि द्वेष कहां कहां पे है। आप बताइए, हलाल जायज है 1977 में एक कानून बनाती है कांग्रेस सरकार जो आज विरोध कर रही है, और लिपस्टिक से लेकर नेल पॉलिश से लेकर टोपी से लेकर कपड़े में मुस्लिम भाई कहते हैं हमको तो हलाल वाला चाहिए। कुछ दिन पहले AMIM के जो तेजरार थे उन्होंने कहा कि रमजान का महीना तो बड़ा पाक महीना होता है, उसमें मुसलमानों को हिंदुओं से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। वो किसकी बात कर रहे हैं? धर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बात कर रही है? ठीक है सर, पहचान को लेकर सियासत, क्योंकि वक्त थोड़ा सीमित है, जल्दी से धर्मेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर पहचान में दिक्कत क्या, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, और अपेक्षा ये कि विषयांतर मत होइएगा, इसी पे रहिएगा। आर्यन जी, आपने खुद सुना था, आपके चैनल पे मैंने देखा था कि मुजफ्फरनगर के बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे थे जिसमें ये भी कहा गया था कि इसके अंदर कोई मुस्लिम एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि धर्म को देख के नहीं है तो फिर क्या है जो एसएन सिंह साहब दावा कर रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पे राजनीति करने के अलावा इनके पास ना कोई विकास का कार्य है, ना कोई नीति है, ना कोई नियति है। इनका जो हाल अयोध्या में हुआ है इनको अभी शायद अभी इसका अंदाजा नहीं है। अयोध्या में लोगों ने आपकी इस राजनीति को नकार दिया है, प्रयागराज में राजनीति को नकार दिया है, अभी बद्रीनाथ के भी। सर, मेरिट पे बात कर रहे थे कि विरोध की वजह क्या है, मैं बहुत बिल्कुल खत्म हो रहा है, वक्त में खत्म हो रहा है। ठीक है, आपने कह दिया कि धर्म के बांटने के आधार की सियासत के अलावा कुछ नहीं। प्रफुल्ल जी, वक्त खत्म हो रहा है, एक छोटा सा कमेंट, आपको लगता है कि क्या ये हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है या फिर कानून व्यवस्था ना बिगड़े सरकार को सरकार के तरीके से चलाने के लिए मौका देना चाहिए? मुझे लगता है कि सारे ही उपासना पद्धतियों का सम्मान करना भारत की परंपरा रही है जी। सारे ही यात्रा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यात्राएं हो, उसमें उन
उसका उसको मानने वाले लोगों के जी जो भी नीति नियम है उसका पालन करने के लिए जो भी सरकार फैसिलिटेट कर सकती है वो करे। हर आदेश को यदि हम इसी तरीके से जाति के आधार पर धर्म के आधार पर देखते रहे तो भारत में कोई भी कानून का अमल करना ये मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए लेकिन तार्किक रूप से चर्चा जरूर। ठीक है, आस्था का सम्मान हर लिहाज से हर धर्म के लिए होना चाहिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले रखते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद अब झारखंड की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड पहुंचे तो उनके निशाने पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नजर आई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद हो या फिर लैंड माफियाओं को संरक्षण देना हो, इसमें राज्य सरकार इस प्रकार से काम कर रही है कि झारखंड में आदिवासियों का जो जनसंख्या है उसमें एक असंतुलन पैदा हो गया अपने आप में। एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे तमाम प्रकार की ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य में आदिवासियों के हक और हकूक संरक्षित रह सकें, और इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है, जिसमें राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और जिसमें कांग्रेस भी सहयोगी है वो दोनों ही दोषी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में लैंड और लव जिहाद के जरिए असंतुलन पैदा करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में आदिवासियों की घट रही जनसंख्या पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 सालों में 84,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि एनडीए सरकार ने झारखंड को विकास के लिए 3,84,000 करोड़ रुपए दिए हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया गया है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे।
1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और 1000 करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफ ही करने वाली। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गांधी के तौर तरीकों से अहंकार झलकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, भाजपा ने अपने बूते 240 सीटें जीती हैं। इंडी गठबंधन के सभी दलों की संख्या को मिलाकर भी 240 सीटों तक नहीं पहुंची है। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सांसद और पदाधिकारी समेत राज्य भर से आए 26,000 कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांची से विकास और सोमेश के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस बात की घोषणा की है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को 100 रुपए की फीस लगती थी उसको अब माफ कर दिया गया है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक पोर्टल लॉन्च किया, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको भी उन्होंने जारी किया। इसके अलावा दिल्ली में या कहा जाए देश भर में अब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और हर प्रकार से सरकार की ओर से सहयोग दिया जाएगा। आज इसकी बात एक तरीके से दिल्ली में देखने को मिली, जहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो तमाम स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके साथ में मुलाकात भी करी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। स्ट्रीट फूड भारत की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। हर शहर का अपना स्ट्रीट फूड है और उन स्ट्रीट फूड्स को आप तक ले आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट फूड स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए नई दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ सफाई से लेकर बनाने के तरीकों के साथ शुद्ध खाद्य पदार्थों को उपयोग में कैसे लाएं ये भी बताया गया। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से सर्टिफिकेट कैसे लें इसकी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पोर्टल और स्ट्रीट फूड गाइडलाइंस की भी शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्ट्रीट फूड टेस्टिंग किट भी वितरित किए, जिसकी मदद से वे अपनी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर पाएंगे। जीवन में सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं ये भी अगर आपको 2 साल बाद बुलाएंगे तो इनको भी बताने के लिए नई 10 बातें होंगी और आपको भी सीखने के लिए नई 10 बातें होंगी, और सीखेंगे तो आप ही उससे आपका ही व्यापार बेहतर होगा। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। देश के 2,16,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यापार में काफी फायदा होगा। ट्रेनिंग से मुझे सब सीखने को मिला और इस किट का मैं प्रयोग करूंगा, किट का प्रयोग करूंगा डेली, कहां से क्या कर रहे हैं। ट्रेनिंग से मुझे एक ही फायदा हुआ कि मैं अपने फूड पे लाइसेंस कैसे ले सकती हूँ इसकी मुझे नॉलेज मिली, अपने फूड के ऊपर मैं लेबल कैसे लगा सकती हूँ इसकी नॉलेज मिली, उस पर ट्रेडमार्क कैसे आएगा ये मुझे मालूम पड़ा। मेरा काम है अचार पापड़ वगैरह के, मेरे से इस ट्रेनिंग से ये फ़ायदा हुआ कि हमें साफ सफाई कैसे रखनी है और सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। फ्रूट चाट का काम करता हूँ और इस ट्रेनिंग से हमारे को ये सीख मिला है कि सफाई और स्वच्छता और बढ़िया, इस हिसाब से हमारे को बहुत ही बेनिफिट मिला इस चीज़ का। ट्रेनिंग से फ़ायदा ये हुआ कि काम करने का जो हम पहले करते थे उसमें और आज में बहुत सुधार है। इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, जो नॉलेज यहाँ के पाए, थोड़ा FSSAI नंबर से अपने ब्रांड का वैल्यू बना। भारत खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कई कदम उठा रहा है, यही वजह है कि देश के 100 जिलों में स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग स्ट्रीट फूड के जायके का आनंद ले सकेंगे। G20 की बैठकों के दौरान भी विदेशी मेहमानों को शहर के स्ट्रीट फूड को परोसा गया जहां पर बैठकें हो रही थी। मेहमानों ने स्ट्रीट फूड को काफी सराहा था।
स्ट्रीट फूड भोजन ही नहीं बल्कि देश का संस्कार भी है। ये सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रशिक्षण लेने के बाद न केवल स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखेंगे बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत और पाक कला की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश भी करेंगे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासत पर फिर से एक बार क्यों सियासत शुरू हो गई, उनकी सेहत को लेकर बयानबाजी हो रही, लेकिन उस खबर से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डाले। MBH का चंकी चाट मसाला। अच्छे भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। देश का नंबर वन पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है और उनके घटते वजन को लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जो लेटर LG के प्रमुख सचिव की ओर से निकल के आया उसमें इस बात का दावा किया गया है कि कैसे वो कम कैलोरी लेकर अपना वजन कम करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, जिसकी वजह से उनको सेहत के आधार पर छूट मिल सके। इस पूरे मामले के बाद में आम आदमी पार्टी और BJP की ओर से दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की सेहत पर सियासत होती नजर आ रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर भाजपा और आपके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर उपराज्यपाल VK सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में 6 जून से 13 जुलाई के बीच केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। तिहाड़ जेल से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि किस किस दिन उन्होंने डाइट प्लान के हिसाब से नहीं लिया। इन चिंताओं के बीच LG कार्यालय ने तिहाड़ के अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि केजरीवाल अपनी निर्धारित डाइट और इंसुलिन डोज का सख्ती से पालन करें। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का वजन करीब 8.5 किलो घट गया है, ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोमा के नाम पर सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन सच ये है कि उनको बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की आदत हो गई है। 3 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जिस प्रकार से राजनीति खेली गई थी वो दिल्ली और दुनिया के सामने सच आ चुका है।
इसके अलावा भाजपा दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी आप सरकार पर हमलावर है। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनसीएपी के तहत दिल्ली को 2019 से 24 के दौरान मिले कुल बजट का महज 37% ही खर्च हो पाया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। आप हैरान होंगे कि एक स्टडी आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिसने ये बताया है कि दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा है। भाजपा लगातार आप सरकार की नाकामियों को उजागर कर जनहित के मुद्दों को उठाने का दावा कर रही है। भ्रष्टाचार से लेकर नीतियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के सीधे निशाने पर हैं। तभी आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो जाता है कि जनहित का मुद्दा सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना महामारी के समय भारत में जो कोविड से मृत्यु हुई थी उससे कहीं ज़्यादा मृत्यु का आंकड़ा था, ऐसी बात एक रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से खारिज किया है, विशेषज्ञों ने भी इसको खारिज किया है और साफ तौर से कहा है कि इस रिपोर्ट में ना तो तथ्य हैं और जिस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को बनाया गया है वो पैमाना भी सही नहीं है और मनगढ़ंत आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाकर भारत के खिलाफ एक प्रकार से गलत प्रचार करने की नीयत से उसको लागू किया गया। तो इस वजह से इस रिपोर्ट को ना सिर्फ केंद्र सरकार ने खारिज किया है बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक मौतों का दावा करने वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट न केवल अस्थिर और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है बल्कि पूरी प्रक्रिया में ही गंभीर खामियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अध्ययन की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अधूरे आंकड़ों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच NFHS के तहत परिवारों के आंकड़े लेकर इन परिवारों में 2020 में मृत्यु दर की तुलना 2019 से की गई है। फिर इन आंकड़ों को आधार बनाकर पूरे देश को लेकर निष्कर्ष निकाल दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि NFHS नमूना केवल तभी देशव्यापी निष्कर्ष के लिए आधार बन सकता है जबकि इसे समग्र रूप से लिया जाए। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि इस विश्लेषण में शामिल 14 राज्यों के 23% परिवारों का अध्ययन देशव्यापी नतीजों का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक्सेस डेथ्स हमारे हिसाब से CRS सिस्टम में 4.74 लाख है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती और उसमें भी जो सारी डेथ हैं ये कोविड की डेथ हम नहीं मान सकते और कोविड की डेथ उसका हिस्सा होगी। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के पास जो आंकड़े आए स्टेट्स में से उनमें से जो डेथ का आंकड़ा है वो 1.49 लाख का है और ये 12 लाख की फिगर और ये कहना कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी 2.6 इयर्स ये गलत एस्टिमेट है, अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। रिपोर्ट का ये दावा भी तथ्यों से परे है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तरह भारत में महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली कमजोर है। सच्चाई यह है कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली अत्यधिक मजबूत है और 99% से अधिक मौतों को दर्ज करती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत मौतों के पंजीकरण में जो वृद्धि हुई भी उसको सीधे कोविड से नहीं जोड़ा जा सकता। जागरूकता बढ़ने के साथ साथ इस प्रणाली के तहत पंजीकरण में हर वर्ष निरंतर इजाफा होता ही है, साथ ही हर साल बढ़ती आबादी के कारण भी मौतों की संख्या में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है। ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है, ये पूर्ण रूप से गलत है। रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर एक और बड़ा सवाल मनपसंद आंकड़ों पर निर्भरता से भी उठ रहा है। जहां एक ओर अध्ययनकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंशिक आंकड़े लेकर अपने नतीजे निकाल लिए वहीं नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाशित पेपर में असंगत और अस्पष्ट परिणाम इस पूरे अध्ययन की विश्वसनीयता को ही खारिज कर देने के लिए काफी हैं।
तथ्यों और आंकड़ों के साथ ये बात प्रमाणित है कि जिस अवधि को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है उसमें मौतों की संख्या अध्ययन में दर्ज नतीजों से स्पष्ट रूप से कम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत टीडीएस, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ई फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी के सामने कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसके बाद तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों ने अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य कराने के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और हरित स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मियों को नेम प्लेट और यूनिकोड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही ट्रेनिंग को समय पर पूरा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हरित महाकुंभ के मद्देनज़र कुंभ क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत पौधा लगाया। इससे पहले सीएम ने इन पौधों को रक्षा सूत्र बांधा। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। बात मानसून की। मानसून की मार से इन दिनों कुछ राज्यों के कई इलाके परेशानी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में कई राज्यों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, तो दिल्ली NCR में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बारिश देश के कई इलाकों में मुसीबत लेकर आई है। सड़कों से लेकर घरों तक भरे हुए पानी ने मानो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह थाम कर रख दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों बारिश से बेहाल है। महानगर में हुई तेज बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा कर रख दिया। मुंबई में विले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई, वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में भी भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है।
वहीं भारी जल भराव से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 22 जुलाई को भी भारी बारिश की संभावना है। खतरा है वो अरुणाचल प्रदेश असम में है, यहाँ पर वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण से हमने रेड अलर्ट दिए हैं क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इन चारों राज्यों में ही भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर बात की जाए पड़ोसी राज्य गुजरात की तो वहाँ भी तेज बारिश का दौर जारी है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। पोरबंदर में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर कलेक्टर कार्यालय में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया। पोरबंदर क्षेत्र में खेड़ क्षेत्र है जहाँ पानी भर जाता है, वैसे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कई आवास में पानी घुस गए थे, जो असरग्रस्त लोग हैं और उसके घर में पानी घुस आया हो, या तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को वहाँ से अपने घर से सेल्टर होम में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में हुई लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कर्नाटक में हुई बारिश के कारण दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में दो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मंगलुरु तालुका में स्थित अद्यपड़ी गांव में बाढ़ आ गई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त MP मुल्लई मुलिहान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अद्यपड़ी का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से करीब 32 घरों को खाली कराने का भी आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक, जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। और ब्रेक के बाद अब खबर बांग्लादेश से, जहां पे आरक्षण के विरोध को लेकर हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। वहां पे देशव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है बांग्लादेश में, तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए। बावजूद इसके हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच राहत भरी खबर इतनी है कि वहां पे सभी भारतीय सुरक्षित हैं और भारतीय उच्चायोग के माध्यम से वहां पे तमाम भारतीय छात्रों का वापस आने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच करीबन 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से सुरक्षित भारत वापस आ चुके हैं। इस बीच में नेपाल और भूटान के छात्रों को भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की मदद से वतन वापसी की मौका मिल पाया है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शेख हसीना की सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाने के साथ सेना को तैनात कर दिया है। कर्फ्यू के बावजूद हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़कों पर जगह जगह अवरोधक खड़ा कर दिया है। सेना को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में अब तक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि शनिवार की दोपहर कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई ताकि लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद सकें। कोई खबर ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए क्या चल रहा है देश में पता नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। यहाँ के जेलों में, फैक्ट्रियों में और वाहनों में जगह जगह आग लगाया जा रहा है।
इधर भारत बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लगातार खराब होती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक और छात्र स्वदेश वापस लौट रहे हैं। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग लगातार सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 978 भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। भारतीय उच्चायोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में है और आवश्यकता सहायता प्रदान कर रहे हैं। नेपाल और भूटान के छात्रों को भी अनुरोध पर भारत में प्रवेश करने में सहायता की गई है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहां ले जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि ये कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है और मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकता है। बांग्लादेश के मौजूदा कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अकेले 30% पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। प्रदर्शनकारी खासतौर से इसी 30% आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। लिख जाते हैं आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने NTA को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट UG 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। अब काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी होगा। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। शशिकांत हजारीबाग से पेपर चोरी करने वाले पंकज और गिरफ्तार रॉकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सॉल्वर भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। सुरेंद्र पवार को ED ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ED की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद ED पवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के बाद अब मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन पर 2% सेस लगाने का प्रस्ताव के बाद भाजपा हमलावर है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कर्नाटक के लोगों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा एक और झटका बताया है। देश भर के स्ट्रीट फूड वेंडरों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, अब नहीं देना होगा पंजीकरण शुल्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म कर दिया है। इसी के साथ राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडर को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी उपाय बताए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पोर्टल और स्ट्रीट फूड गाइडलाइन भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय फिक्की के साथ मिलकर इंडिया केम 2024 के 13वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। अक्टूबर में मुंबई में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्योग के सबसे बड़े समग्र कार्यक्रमों में से एक है। इंडिया केम सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ साथ दुनिया के रासायनिक उद्योगों से जुड़ी हुई कंपनियों को एक मंच पर लाना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपने हाथों में ले ली है। NSG कमांडो की यूनिट को सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां तैनात किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने सफल सुरक्षा उपायों को लेकर डेमो के रूप में मॉक ड्रिल किया। महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए शनिवार को देश दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुँचे।
कृषिविद कमला पुजारी का 73 वर्ष की उम्र में ओडिशा के कटक में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। कमला पुजारी ऑर्गेनिक खेती की प्रवर्तक थी और उन्होंने चावल की 100 किस्मों की खेती की थी। वो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ी थी। कमला पुजारी को 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।